सो आज लाइब्रेरी बंद है, पता नहीं होली को लेकर मैंने देखा था लाइब्रेरी, पता नहीं क्या होता है, वहाँ पे जाके देखते हैं। लोग सामने बिल्कुल एथलेटिक ग्राउंड है ये वाला, कहीं ये खतरनाक ना निकल जाए मेरी कार्ड दे। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे आए हैं खेलने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, देखो कैसा है, अच्छा है ना। और बनाओ, अकेले खड़े रहो। जिसान इनोवेटर ZEESJNIN। आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन काम होता है कंसिस्टेंसी, चाहे जो मर्जी काम रोज करते रहो, रोज वीडियो बनाओ, अपलोड करो। अगर आप गाइस द टू डे वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रेंड्स, तो गाइस कैसे हैं आप सब, खैरियत से होंगे। आज पूरा यूनिवर्सिटी ऐसे खाली इंसान पड़ा हुआ है, कोई पब्लिक वब्लिक नहीं जा रही है, बिकॉज सुबह सुबह लोग जाग नहीं रहे थे, सो जाते हैं। तो नाउ आई हैव टू गो फ्रॉम लाइब्रेरी, देख के आते हैं लाइब्रेरी खुली है या बंद है। मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिक होगी, लेकिन पब्लिक नहीं है इतनी फिलहाल। ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ अकेला हर जगह। सुबह सुबह लोग होते नहीं है, सुबह के अभी बज चुके हैं मेरे ख्याल से 9 बजने वाले हैं। और हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ, और लाइब्रेरी में जाके देखते हैं। आज पता नहीं छुट्टी है होली को लेकर नहीं, मैंने देखा था लाइब्रेरी 8 बजे से 2 बजे तक ओपन रहेगी, मतलब शॉर्ट डे बताया हुआ कि शॉर्ट डे में खुली रहेगी, पता नहीं क्या होता है, वहाँ पे जाके देखते हैं। अभी हम गुजर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के पास से। आज मौसम काफी अच्छा है और ठंडा भी है, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है फिलहाल, नॉर्मल है एकदम, टेम्परेचर नॉर्मल ही होगा, अभी मैंने देखा नहीं है कुछ भी। दैट इज सो ब्यूटीफुल लोकेशन, पर कितना प्यारा लग रहा है यार यहाँ पे। तो मेरा मानना है कि अगर आज लाइब्रेरी बंद हुई, हम कैंपस व्लॉग करेंगे, पूरा कैंपस दिखाएंगे आप, एक कैंपस दिखाते हैं आपको, डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट। और अभी मैं फिलहाल जियोलॉजी डिपार्टमेंट से गुजर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, यहाँ से पास से सेंट कंटीन है, ये है CEC एंड देन सामने ऑडिटोरियम। लाइब्रेरी बिल्कुल यहाँ से सामने से है, ये बैक साइड है, यहाँ से लाइब्रेरी कंटीन है पास में। और सुबह सुबह इतनी पब्लिक नहीं है, हर जगह बिल्कुल सुनसान है। सो आज लाइब्रेरी बंद है होली की वजह से, ऐसा लग रहा होगा जब शांति शांति हर जगह, कितना बिल्कुल खाली है एकदम। आज मन कर रहा था लाइब्रेरी आज खुला होते तो मैं ज़रूर अंदर जाता। वाओ दैट इज सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है आज अकेले अकेले यहाँ पे आके देखने में, एकदम खाली है पूरी लाइब्रेरी। फैकल्टी ऑफ आर्ट और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल सामने है इसके, मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी इसके पीछे है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बिल्कुल आस पास है। We need to go back from another campus। यहाँ पे जो सारा ये सुनसान पड़ा है, इतने भी व्हीकल होते हैं, सब स्टैंड करते हैं लोग, और जो लाइब्रेरी आते हैं स्टूडेंट। प्यारी हवा चल रही है बहुत अच्छी, यहाँ पे कोई भी नहीं है। रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ इज हायर देन ऑल एल्स हायर शुड इन दिस ट्रुथ लाइफ। ये जो डिपार्टमेंट है ये थियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये है डक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बत्तख भी है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ बत्तख। देखो बत्तख क्या कर रही है, डक पॉइंट के बिल्कुल सामने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के सामने डिपार्टमेंट ऑफ मैथ आता है। ये जो रोड है ये सीधा जाती है मेडिकल GNMC, यहाँ से GNMC की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तो खैर नहीं जा पाऊंगा, बहुत दूर है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सामने बिल्कुल एथलेटिक ग्राउंड है ये वाला, कहीं ये खतरनाक ना निकल जाए मेरी कार्ड दे यहाँ पे, बहुत बुरा ना हो जाए। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल सामने है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे आए हैं खेलने के लिए। हाँ वो लेके जा रहे हैं फ़ोन,
अच्छा उनके फोटो बना दूँ? अच्छा उनके मोबाइल से? अच्छा बच्चे इधर दो, मैं एक फोटो बना देता हूँ, आप मुझे दे दीजिए फोन, में फोटो बना देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आए हैं मतलब फोटो वगैरह बनाने के लिए। सुबह सुबह स्माइल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, देखो कैसा है, अच्छा है ना। और बनाओ, अकेले खड़े जाओ, एक एक करके खड़े जाओ, फोटो बना दे, स्माइल करो, स्माइल, बैठ जाओ सभी एक साथ, सही है सही है, सही बैठो, शाबाश। जीशान इनोवेटर ZEESJNINN, ये मेरा चैनल है पर्सनली, नीचे में ब्लॉगिंग और चलो शुक्रिया आपका। बाकी इंस्टाग्राम भी है, वो भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम में मैं कंपलसरी डालता हूँ ब्लॉग, शुरू किया है मतलब, ये बाकी जो 76 वीडियो शॉर्ट्स वगैरह थोड़े बहुत डाले, बहुत काफी पुराना था चैनल लेकिन स्टार्टिंग अभी करी। जैसे कुछ इनकम आना कब से शुरू हो जाता है? आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, इसमें से कोई एक वीडियो अगर चल गई, अगर कोई स्पॉन्सर आ रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो उसमें से आपको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर्सनली पैसे वो तब देगा जब आपके आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए। एक साल अगर आप लगातार करेंगे यूट्यूब पे काम, वीडियो डालते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें डालते रहेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक साल के बाद पता नहीं चलेगा 3,00,000-4,00,000 सब्सक्राइबर कहाँ होगा। लेकिन काम होता है कंसिस्टेंसी, चाहे जो मर्जी काम रोज करते रहो, रोज वीडियो बनाओ, अपलोड करो। अगर आप पहले मैं गाँव में करता था, अपने जम्मू में रहता हूँ, मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर, हाँ, तो वहाँ करता था, यहाँ करते करते यहाँ आया, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, कभी एग्जाम आ जाते हैं, सेशनल आ जाते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता मुझे। हाँ, बातें करते करते टाइम निकल गया मेरा, और यहाँ पे बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियर वालों ने कैसा कैसा आर्ट बनाया है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। इंजीनियर वालों की डिपार्टमेंट ये है, और मैकेनिकल वालों का ये है, सिविल पॉलिटेक्निक, ये तीन डिपार्टमेंट एक साथ है। और यहाँ से सामने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। देर आर नो ग्रेट थिंग, ओनली स्मॉल थिंग विद ग्रेट लव। दोस्तों हवा इतनी अच्छी चल रही है कि मुझे लग रहा है मुझे यहाँ की आबो हवा बहुत पसंद है। आज मन कर रहा था दोबारा सोने का, रात को भी सो गया था जल्दी, और सुबह सहरी करी, और सहरी करने के बाद फजर पड़ने के बाद जस्ट बैठ गया, थोड़ा बहुत लैपटॉप में वीडियोस वगैरह देखने लग गया, और इसके बाद मेरा मन कर रहा था कि लाइब्रेरी चला जाऊँ, लेकिन लाइब्रेरी तो बंद है आज। फिर इसके बाद पता चला कि आज तो होली है, फिर मेरा आइडिया आया कि हाँ आज तो कैंपस व्लॉग करना पड़ेगा, तो कितना अच्छा हो जाता, तो मैंने क्या किया कि कैंपस व्लॉग करना शुरू कर दिया। ये ना मेरा प्रॉब्लम पता है क्या, जब छुट्टी होती है तब मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे को आइडिया आता है कि भाई व्लॉगिंग कर लेता हूँ, जब आगे हम चलते हैं सीधा सेंटेनरी गेट से होके फिर अपने हॉल में चलेंगे, तो वहीं जाके एंड करेंगे। फैकल्टी ऑफ साइंस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकूँ, व्लॉगिंग को कंटिन्यू कर सकूँ। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इतना बढ़िया है यार, ये एक छोटी सी हवेली की तरह लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है कि यार हवेली है। यहाँ से रास्ता है शॉर्टकट हमारे हॉल की तरफ जाने का, हम अपने हॉल में जा रहे हैं वापस, और हो गया व्लॉग जितना होना था हमारा, बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये दिन व्लॉग करते हुए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, आई फील सो गुड। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और साथ बेल आइकन प्रेस कर देना जब वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको। तो मैं शॉर्टकट आ गया था, इधर से नहीं आ पाया क्योंकि आज धूप भी बहुत तेज़ है, बार बार धूप में खड़े नहीं होना पड़ता, चलना नहीं होता मुझे, रोज़ा है मेरे ख्याल से, इसलिए ज़्यादा अपने आप को गर्म नहीं रखना चाहिए, गर्मी नहीं लेनी चाहिए, ठंडा रखो अपने आप, बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप को ठंडा रखना। और हम तो खैर जम्मू के हैं, हमें ठंडी कहाँ लगती है, हमें गर्मी ज़्यादा लग सकती है, इसलिए अपने आप को जाना इतना आसान नहीं है। जम्मू के लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर्दी आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मेरी वीडियो आएगी ये आप लोगों के बारे में कि घर से निकलना कैसे, घर से निकल के आपको बाहर का माहौल कैसे फेस करना है, आपको प्रॉब्लम कैसे फेस करनी चाहिए, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, उसको उसका इंतज़ार ज़रूर कीजिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। और मैं फ़िलहाल पहुंच गया अपने हॉल में, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए इससे पहले मैं आपको बहुत सारे फूल दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, बिल्कुल अच्छे बागात हैं यहाँ पे, बिल्कुल सामने पेड़ लगे हुए हैं अच्छे अच्छे, और मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। सो मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ अगली वीडियो पर। एक पूरा हॉल है और इसमें अलग अलग हॉस्टल है, और हॉस्टल के नाम है जफर अहमद सिद्दीकी ध्यानचंद हॉस्टल, और मोहम्मद उमर फारूक, और साथ में आता है रशीद अहमद सिद्दीकी हॉस्टल। ये चारों अलग अलग हॉस्टल है और हॉल एक ही है, सरजियाउद्दीन हॉल।